यूजी पीजी का एडमिशन चालू हो गया है दोस्तों। यूजी यानी बीए बीकॉम बीएससी, पीजी यानी एमए एमकॉम एमएससी एमबीए एलएलबी, इन सभी का एडमिशन चालू हो गया है। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको समझ में आ जाए। यूजी में लगने वाले आवश्यक रिकॉर्ड, 10वीं 12वीं के मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जनरल वालों के लिए जात प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए, पीजी के लिए एमए एमकॉम एमएससी के लिए आवश्यक रिकॉर्ड, फोटो सिग्नेचर, 10वीं 12वीं व स्नातक की मार्कशीट, आधार कार्ड, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर, आय निवास जाति आदि दोस्तों लगेगी। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। गूगल में ई प्रवेश टाइप करते हैं, उसके बाद ई प्रवेश वाले ऑप्शन में एमपी ऑनलाइन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर देंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों। इसमें दोस्तों यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन आफ्टर 12वीं पास के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन पास के लिए, यूजी के में रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कर देंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन 2024-25 अंडर ग्रेजुएशन आफ्टर 12वीं पास, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 मई 2024 से 20 मई 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग रिसिप्ट की 1 मई 2024 से 20 मई 2024 तक प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग की आखिरी डेट शुरू 1 मई 2024 से 20 मई 2024 तक रहेगी दोस्तों। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कर देंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें 8 कॉलम है, 8 स्टेप, ये सभी स्टेप को भरना अनिवार्य है। बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल, रिजर्वेशन, कॉन्टैक्ट क्वालिफिकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, फोटो सिग्नेचर, एंड पेमेंट। एमपी बोर्ड से है तो यस करना, अन्यथा नो करना। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओपन की दो ही है। मदर्स नेम रोल नंबर लिख के गेट डिटेल पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन, ये देखिए दोस्तों 2 मई से 21 मई 2024 के मध्य फॉर्म भरे जाएंगे। चॉइस फिलिंग 21 मई 2024 तक ही रहेगा। रजिस्ट्रेशन वाले में क्लिक कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों ए पी एस यू बी यू सी यू सी डी ए बी बी एन डी ए देवी अहिल्याबाई जीवाजी एम सी यू बी यू आई डी बी बी रानी दुर्गावती विक्रम, ये यूनिवर्सिटी है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना। ये देखिए दोस्तों ये पूरी यूनिवर्सिटी शो कर रही हैं। उसके पश्चात दोस्तों रोल नंबर इसमें लिख इनरोलमेंट नंबर लिख देना है, जो आपको इनरोलमेंट नंबर है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद ये देखिए एलएलबी आनर्स आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी आनर्स के लिए, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे एक नया विंडो इसमें भी ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन 24-25 पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 2 मई 2024 से 21 मई 2024 के मध्य फॉर्म भरे जाएंगे। चॉइस फिलिंग 2 मई 2024 से 21 मई 2024 के मध्य रहेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो अन्य वैकेंसी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।